परवेज़ किस ज़बान का लफ्ज़ है, परवेज़ के माने और परवेज़ नाम का मतलब क्या है, परवेज़ में कितने हरूफ़ हैं और कौन कौन सा हर्फ है, परवेज़ इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, परवेज़ हिंदी में कैसे लिखा जाता है, परवेज़ उर्दू में लिखने का तरीका क्या है। इन सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफा होगा। तो इस तरह की नई और दूसरी वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। परवेज़ फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। परवेज़ के माने और परवेज़ नाम का मतलब है खुश नसीब, फातह, ऊंचे मर्तबा वाला। परवेज़ में 5 हरूफ हैं, पे, रे, वाव, ये और ज़े। ये इंग्लिश में परवेज़ लिखा हुआ है, ये हिंदी में परवेज़ लिखा हुआ है। परवेज़ उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं, एक कीबोर्ड के ज़रिए जिसमें तमाम हरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ उन हरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत होती है। जैसे हमें परवेज़ लिखना है तो सबसे पहले पे को टच करेंगे, उसके बाद रे को टच करेंगे, उसके बाद वाव को टच करेंगे, उसके बाद ये को टच करेंगे और उसके बाद आखिर में ज़े को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह परवेज़ लिखा हुआ आ जाएगा। परवेज़ लिखने का दूसरा और पुराना तरीका है कलम या पेंसिल से लिखने का। परवेज़ लिखने के लिए हमें जिन उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की ज़रूरत पड़ेगी पहले उसे समझते चलें। ख़ास तौर से हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं तो थोड़ा ध्यान से देखें और इन 3 बातों को याद रखें। नंबर 1, उर्दू हरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर 3, उर्दू हरूफ की शक्ल सूरत, फुल लेटर और शॉर्ट लेटर। परवेज़ लिखने के लिए हमें इन 5 लेटरों की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 1, पे। नंबर 2, रे। नंबर 3, वाव। नंबर 4, ये। नंबर 5, ज़े। ये उर्दू लेटर्स के नाम हैं। अब उर्दू लेटर्स लिखने का तरीका समझते हैं। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ आधे लाइन के ऊपर और आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। ये पे लाइन के ऊपर लिखते हैं, रे आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, वाव आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, ये लाइन के ऊपर ही लिखते हैं, ज़े आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये उर्दू हरूफ के फुल लेटर हैं। उर्दू हरूफ 2 तरह से इस्तेमाल होते हैं, कभी कहीं फुल लेटर इस्तेमाल होगा और कभी कहीं शॉर्ट लेटर इस्तेमाल होगा। तो अब इनका शॉर्ट देखते हैं। रे ऐसे ही रहेगा, वाव भी ऐसे रहेगा और ये शॉर्ट हो जाएगी
और जे ऐसे ही रहेगी। तो अब इनको मिलाकर लिख कर देखते हैं, पे ऐसी में ये क्या हो गया पे, इसमें ये मिला दिया रे, पर वाव, और ये ऐसी में ये से मिला दिया, ये क्या हो गया परवेश। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें।